सुधार चाहिए, आपको विकास चाहिए, उनमें सुधार चाहिए, आपको विकास चाहिए। इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासेस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम स्मार्ट क्लास चलाएंगे और बच्चे को प्लस टू स्कूल में या स्कूलों में ही हम डिजिटल शिक्षा देंगे, लेकिन डिजिटल शिक्षा तो दूर, यहाँ पर बच्चों को मूलभूत शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर लैब है और कहाँ पर क्या है। आप देख सकते हैं इन दीवारों पे अश्लील अश्लील बातें लिखी गई है। और आपको नीचे बैठना पड़ता है? यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेंच नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रामन झा। क्या आपको नीचे बैठना पड़ता है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इधर बेंच नहीं है। कितने दिनों से बेंच नहीं है? अभी तो मैं सर 2 दिन है, बहुत देर से। जब देख सकते हैं आप, हमारे अपर सचिव के पाठक का कहना है कि स्कूलों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं बच्चों को उच्च शिक्षा देखने को मिलेगी। जी हां, आज हम मौजूद है जानकी जनता प्लस टू उच्च विद्यालय बेलमोहन में, जो कि फुल परास के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर हम देखने आए हैं, मेरे साथ आप देख सकते हैं इस समय ग्रामीण मौजूद है और यहाँ पर इनका आक्रोश है, बहुत सारी मांगे हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विद्यालय में ऐसा क्या है कि आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राधेश्याम कुमार हुआ। क्या दिक्कत है आप स्कूल में? सर, विद्यालय में एक्चुअली जो है कम्प्लीटली जर्जर व्यवस्था है। यहाँ पर खास करके विद्यालय में जो बच्चे आएंगे तो उसको बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, शौचालय नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पर एक्चुअली सारा स्थिति आप घूम कर देखिए तो जर्जर व्यवस्था है। यहाँ से आज से 2 महीना पहले जब धर्मेंद्र पासवान शिक्षक नहीं आए थे, तो बच्चे जब यहाँ पर आते थे तो सिर्फ एग्ज़ाम देने के समय बच्चे, बाकी क्लास के समय में 5 से 10 बच्चा ही केवल आते थे। एग्ज़ाम जब भी होती थी तब बच्चा जितना फुल एडमिशन नामांकन रहता था वह बच्चा सभी आते थे, और उस बच्चे को पेड़ पौधा के नीचे में बैठा के एग्ज़ाम दिया जाता था। जब धर्मेंद्र पासवान आए तो पेड़ पौधों के नीचे बैठ के एग्ज़ाम देते थे। हाँ, एग्ज़ाम देते थे। जब वह शिक्षक 2 महीना पहले आए तो इस विधि व्यवस्था में सुधार हुई, तब उस बच्चे को फर्श पे बैठा के एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अभी भी देखिए एग्ज़ाम हो रही है 10+2 के नीचे में, 10+2 जो स्कूल है उसके फर्श पे बैठ के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बेंच डेस्क जो है केवल 5 जोड़ा बेंच डेस्क है। जो लड़कियां आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उसके लिए शौचालय नहीं है। हाल ही में ये शौचालय बनना स्टार्ट हुआ, इसकी भी स्थिति देख लीजिए, 4 दिन में ही सेटिंग हटा लिया गया पूरे। ये भी एक में दो, यानी कि 6 महीना 5 महीना में ये टूट के गिर जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर समाज के द्वारा लास्ट दिसंबर से शिक्षक से मिलते हैं, प्रधानाध्यापक से मिलते हैं कि इस विधि व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि इसको सुधार कीजिए। हर बार 15 दिन समय लेके वो आश्वासन देते हैं, हम 15 दिन में ये करने जा रहे हैं, 15 दिन करने जा रहे हैं। अंततः हम लोग मजबूर हो गए तो मीडिया को आज लाना पड़ा। उसके बाद जो है फिर आगे की कुछ प्रोसेस, हम पाठक जी को, के पाठक को मेल भी किए थे इससे संबंधित, स्कूल से संबंधित, उसके बावजूद भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण बहुत ज्यादा आक्रोशित है, इन्हें बहुत ज्यादा आक्रोश है, किस बात को लेकर? इस स्कूल की विधि व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ग्रामीण के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये प्लस टू उच्च विद्यालय है और यहाँ से बच्चे पास आउट होके ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। लेकिन यदि ये यथास्थिति यही रही तो जरूर यहाँ से बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो अंगूठा छाप ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि केवल बच्चे एग्जाम देने के लिए ही आते हैं, परीक्षा देने के लिए ही आते हैं, भाई पूरे साल बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि पूर्व सरपंच भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की स्थिति के बारे में बताएंगे, क्या स्थिति है यहाँ पे? ठीक है सर, आप अभी तो स्थिति आप लोग देख ही लिए हैं, और इससे पूर्व से पहले जो राधे श्याम जी जो बोले थे जानकारी आपको मिल गया है। यहाँ समस्या जो है सबसे पहले बाउंड्री वाल नहीं है, और बाउंड्री वाल नहीं रहने के कारण बाहर के लोग यहाँ, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, टेंट उंट बना के मकान में विद्यालय में रहना शुरू कर देता है। ऐसा स्थिति हो जाता है जब कोई
तोड़ फोड़ दिया है, खाना उना बना लेता है। और यहाँ तक कि टीचर की बात है, समय पर जो टीचर है नहीं आते हैं, जैसा नियम है जो आने का वो समय पर नहीं आते हैं। समय पर नहीं आएंगे तो उनका तो हाजिरी अपने कटेगा। तो हेडमास्टर के मिली भगत से ऐसा हो रहा है, न वो किसी पर दबाव बनाते हैं न कहते हैं। और हम लोग जो कुछ दिन आना शुरू किए, आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, 5 साल तक आपने भी सरपंच रहे हैं, आप तो अपने कार्यकाल में क्या यहाँ पर मुखिया ने किसी ने कोई विकास नहीं किया? यहाँ तो विकास मुखिया के द्वारा नहीं हुआ है। और हम लोग जनपद की बात आप कहे हैं, यहाँ के विधायक जो है, सांसद है, हम लोग वहाँ उनसे भी मुलाकात किए, आश्वासन दिए। हमारे विद्यालय को अगर देखे आप और स्थिति देखे कि विद्यालय में क्या नहीं है, नहीं उस विचार कीजिए, आश्वासन दे कर भी चले जाते हैं, हाँ बना देंगे, उसके बाद घूम के नहीं आते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं ये जानकी जनता प्लस टू उच्च विद्यालय बेलमोहन है। जी हाँ, इस स्कूल के विकास को आपको दिखाते हैं, ये है स्कूल की स्थिति। जी हाँ, अगर आपने देखा होगा पुराने जमानों में जो स्कूल होते हैं उससे भी बदतर स्थिति में है। हम विजुअल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है और पूरी तरह से ये अभी टूटा फूटा हुआ है। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि ये अंडर रिपेयरिंग हो रहा है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं वहां तक ये पूरी तरह से, रूम तो है, कक्षा है, लेकिन यहां पर बकरियों का ढेर लग रहा है और गंदगी का ढेर लग रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं इन दीवारों पे अश्लील बातें लिखी गई है। और इस बातों से आखिर बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? ये सवाल जनता पूछती है के पाठक जी से कि आपने स्कूलों को अच्छा बनाने का जो संकल्प लिया है, क्या लगता है कि बिहार के स्कूल सुधर पाएंगे? स्थिति और भी बदतर है। यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सभी कमरे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और सभी कमरों में गंदगी भरी हुई है। सोच के लिए एक जगह बन चुकी है। जी हाँ, जगह जगह सोच भी पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सोच की एक जगह हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि अंडर रिपेयरिंग है और रिपेयर का काम यहाँ पर चालू है। हम ग्रामीण से और भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बातें हैं। ग्रामीण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं, काफी गांव वाले काफी शिकायतें कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार पासवान। क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो स्टूडेंट में कमी नहीं है। यहाँ पे जो टीचर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभाव है, विद्यालय में जो विधि व्यवस्था नहीं है उसके अभाव में बच्चे नहीं आ पाते हैं और सही समय अच्छा से अपने एजुकेशन को केयर नहीं कर पाते हैं। इस कारण से केवल सिर्फ जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार या 3 बार, उसी टाइम ज़्यादा स्टूडेंट को देखने को मिलता है भीड़, और उसमें भी स्टूडेंट जो आते हैं वो आज पहला बार ऐसा हुआ है कि फर्श पे भी बैठ के परीक्षा दे रहा, नहीं तो आप अगर आते इससे पहले तो देखते कि फील्ड पे बैठा गाची कलम बैठ के परीक्षा दिया जाता है। तो साथ साथ हम आपको यहाँ पर आज इस स्कूल में स्मार्ट क्लास दिखाने वाले हैं, लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं और लैब रूम भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस स्कूल की खासियत है कि इस समय हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जब भी आप प्लस टू उच्च विद्यालय में जाएंगे तो आप उस विद्यालय में आपको मिलेगा खेलने का मैदान, तो खेलने का मैदान तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासेस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम स्मार्ट क्लास चलाएंगे और बच्चे को प्लस टू स्कूल में या स्कूलों में ही हम डिजिटल शिक्षा देंगे, लेकिन डिजिटल शिक्षा तो दूर, यहाँ पर बच्चों को मूलभूत शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर लैब है और कहाँ पर क्या है। सत्य, यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, आपको मैं सेकेंड रूम भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड रूम में भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हम विजुअल भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चे अंदर परीक्षा दे रहे हैं और साथ साथ ये रूम वैकेंट है। इसके साथ यही 3 रूम है यहां पर। तो आखिर कहां पर है लाइब्रेरी, कहां पर है प्रयोगशाला और कहां पर है स्मार्ट क्लासेस?
ना तो यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस है, ना ही लाइब्रेरी है और ना ही प्रयोगशाला है। कहने को तो ये प्लस टू विद्यालय है। जरूर यहाँ पर साइंस की भी पढ़ाई होती होगी क्योंकि बीपीएससी की नई भर्ती हुई है और लगातार योग्य शिक्षकों को स्कूल तक पहुंचाया गया है, लेकिन जब तक उनको तकनीक नहीं दी जाएगी, स्मार्ट क्लासेस नहीं दी जाएगी, जब तक उन्हें लाइब्रेरी नहीं दी जाएगी और प्रयोगशाला नहीं दी जाएगी, तो कैसे कोई बच्चा डिजिटल युग में जी पाएगा, कैसे वो इंजीनियर बनेगा, कैसे वो वैज्ञानिक बनेगा। हम ये बात प्रधानाध्यापक से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय प्रधानाध्यापक भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह की शिकायतें आ रही है ग्रामीणों में, खासकर कहीं ना कहीं बहुत सारी बेसिक सुविधाओं का अभाव है, फिर चाहे स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे लाइब्रेरी, चाहे आपका लैब हो, हर तरह की यहाँ पे असुविधा दिख रही है। और कहीं ना कहीं कक्षों के अंदर भी काफी गंदगी दिखाई दे रही है, टूट फूट दिखाई दे रही है, कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो भी आरोप है उसके लिए हम पहले से ही पत्राचार अपने पदाधिकारियों से करते आ रहे हैं और हम प्रयासरत हैं कि हमारा विद्यालय का विकास हो और सुचारू रूप से चले। अभी आचार संहिता लागू हो गया है, फिर भी हम लगे हुए हैं कि जो भी समस्या है विद्यालय का उसका समाधान हो। मैं इतना ही कह करके अपनी बात। आपका अंगद कुमार पासवान, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहली बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट आएगा पढ़ने के लिए, मान लीजिए अभी से कभी भी, अभी तक तो हम नहीं देखे हैं यहाँ पे विद्यार्थी आया है पढ़ने के लिए, और अभी जो आएगा उसके लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि बाथरूम अभी हाल फिलहाल में तैयार हो रहा है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, उसके पहले भी ये व्यवस्था नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन दोनों क्लास मिला के, 9th और 10th मिला करके 400 विद्यार्थी है लमसम, और 400 विद्यार्थी को यहाँ के यहाँ पर बैठने के लिए, यहाँ पे जो बैठ करके एग्ज़ाम देगा, क्लास लेगा, उसके लिए मात्र 2 क्लासरूम चलता है, 2 या 3 क्लास, और उसमें डेस्क बेंच तकरीबन 10 जोड़ा होगा ऐसे मिला करके, 10-5, और उसके बाद अभी तक डेस्क बेंच जब हम लोग, इसके लिए आप लोगों ने पहले कभी मांग उठाया क्या? कभी पहले सर बहुत बार ऐसा मांग, विधायक तक बात पहुँचाई अपनी? हाँ सर, विधायक तक भी बात लेकर के गए हैं हम लोग, और यहाँ पे कई मीटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सर है, विधायक जी कुछ किए? विधायक जी क्या किए हैं, आश्वासन दे करके छोड़ दिए हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद बाउंड्री वाल, देखिए जैसे अभी तो अभी 10-11 बजने वाला है, अब यहाँ से भैंस गाय बकरी यहाँ पे घूमने आएगा, देख सकते हैं, इस समय भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर मवेशी इस ग्राउंड के द्वारा जा रहे हैं लगातार, क्योंकि 4 दीवारी नहीं है, हम कह सकते हैं बेलमोहन के इस विद्यालय का ये दुर्भाग्य है कि प्लस टू होने के बावजूद इस स्कूल का अभी तक 4 दीवारी नहीं हुआ है, और ये भी हम कह सकते हैं कि एक यूनिक बात है इस स्कूल के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लगातार लोगों का अगर इसी तरह आक्रोश रहा तो कैसे वह सरकार को वोट देगी और सरकार के साथ रहेगी? कहीं ना कहीं हम अपने इस चैनल के मीडियम से ये अपील करते हैं उन विधायक से, सांसद जी से, कि आप इस क्षेत्र में आए और इन लोगों की समस्याएं देखें, और खासकर जो ये विद्यालय है इस पर पहल करें ताकि यहाँ पे सुचारू रूप से शिक्षा हो सके और बच्चे यहाँ पर पुस्तकालय, लैब तथा अन्य सुविधाओं से पढ़ाई कर सके। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने आसपास की अगर आपके पास भी कोई बड़ी घटना है तो आप निश्चित रूप से उठाए, खबर आसपास वहां पर पहुंचेगा और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह की खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।